बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी चरण जोरों पर है। तमाम प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है और गाजे बाजे के साथ जनता के बीच पहुंचकर मतदान की अपील की जा रही है। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ने भी अपनी विजय यात्रा आरंभ की है। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ सुरेंद्र पवार हलके का दौरा कर रहे हैं। आज भी सुरेंद्र पवार के ढेरों कार्यक्रम हैं, जिनके जरिए सुरेंद्र पवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में समर्थन की अपील कर रहे हैं। सुरेंद्र पवार ने रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है और विरोधियों को अपनी ताकत भी दिखाई है। इतना ही नहीं, सुरेंद्र पवार के रोड शो में समर्थकों के अलावा जनता की भी भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। सुरेंद्र पवार को युवा और बुजुर्गों के साथ महिलाओं का भी साथ मिल रहा है। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से जन समर्थन देखा जा रहा है। सोनीपत से आपको यह हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच में निकल चुके हैं और भारी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो भी देखने को मिल रहा है। जनता से रूबरू होते हुए, मुलाकात करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र पवार नजर आ रहे हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सुरेंद्र पवार को आप देख सकते हैं। भारी संख्या में जो महिला भी है वो भी दिखाई दे रही है। महिला कार्यकर्ताओं में भी जोश खरोश देखा जा रहा है और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं किस तरह से खुशी में उत्साहित होकर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्र पवार जो उनके विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में उनकी जो नाकामियां हैं वो भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र पवार को आप देख सकते हैं किस तरह से उनके इस रोड शो में जन समर्थन में भारी जन सैलाब देखा जा रहा है। पूरे हरियाणा ने एक मत बना लिया कि भाई हरियाणा में कांग्रेस का राज लेना है। 10 साल देख लिया बीजेपी का राज और सोनीपत में आप सबने एक बार पहले आशीर्वाद दिया, एक का और आशीर्वाद मांगो।